स्टीव जॉब्स, एप्पल जो सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनी है दुनिया के, जिनके फाउंडर थे, जब वो पूरी तरीके से भटक गए थे कि जीवन में क्या करें, तो वो भारत में आए थे। भारत में आने के बाद वो कैची धाम गए थे। कैची धाम जाने के बाद नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि यहीं पर आने के बाद मेरे माइंड में क्लैरिटी आई है और यहीं से मुझे एप्पल के ग्रोथ का राज मिला। जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, लीगल बैटल्स लड़ रहे थे। मार्क जकरबर्ग ने पूछा, भाई क्या किया जाए, आपका क्या सजेशन होगा, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं कहता। बोले, बस एक ही सजेशन, नीम करोली बाबा के आश्रम होकर। तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी, लेकिन वो व्यक्ति गए और वो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं एक पर्टिकुलर बाबा को प्रमोट करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं खुद वहां पर आज तक नहीं पहुंच पाया। कोशिश करता हूं जाने की, पता नहीं, शायद बाबा जी की बुलावा नहीं है।